हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिक्स ट्यूटोरियल। इस ट्यूटोरियल में हम लोग MSCET की तरफ से जो क्वेश्चन बैंक दिया गया है 12th बोर्ड के लिए, उसे सॉल्व कर रहे हैं। सो लास्ट ट्यूटोरियल में हम लोगों ने रोटेशनल चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व किया था। इन दिस ट्यूटोरियल वी आर गोइंग टू सॉल्व सिंगल मार्क क्वेश्चन। सो पहला क्वेश्चन कहता है, फाइंड द रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ यूनिफॉर्म डिस्क अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। सो सबसे पहले हम लोग डिस्क का मोमेंट ऑफ एनर्सिया लिख देंगे। ओके, सो डिस्क का मोमेंट ऑफ एनर्सिया जो होता है, दैट इज आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाय टू। ओके, एंड टू कैलकुलेट द रेडियस ऑफ जायरेशन वी जस्ट नीड टू पुट आई इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर, वेयर एक्स विल बी रेडियस ऑफ जायरेशन। एक्स ही हमारा रेडियस ऑफ जायरेशन होगा। सो कैलकुलेशन कर देंगे, MML विल गेट कैंसिल, एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर बाय टू। सो हमारा रेडियस ऑफ जायरेशन हो जाएगा आर बाय रूट टू। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, डज द एंगल ऑफ बैंकिंग डिपेंड्स ऑन मास ऑफ व्हीकल। सो अगर हम लोग एंगल ऑफ बैंकिंग वर्टिकल से ही कंसिडर करते हैं, सो टैन थीटा इज इक्वल टू सेंट्रिपिटल फोर्स, जो कि एम सेंट्रिपिटल एक्सलेशन के बराबर होता है, डिवाइड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स विच इज इक्वल टू एम जी। सो एम एम कैंसिल हो जाएगा, इट विल बिकम ए सी अपॉन एम जी, सॉरी ए सी अपॉन जी। सो ए सी अपॉन जी, और इसकी वैल्यू अगर हम ए सी की वैल्यू पुट भी कर देते हैं तो वी स्क्वायर अपॉन आर जी। सो यू कैन सी कि डज नॉट डिपेंड ऑन मास, सो वी कैन राइट डज नॉट डिपेंड्स ऑन मास ऑफ व्हीकल। ओके, क्वेश्चन नंबर थ्री कहता है, ड्यूरिंग एन आइस बैलेट व्हाइल इन आउटर राउंड व्हाई डू द डांसर आउट स्ट्रेच देयर आर्म्स एंड लेग। सो कहता है कि जब डांसर डांस कर रहा होता है तो उसको रुकने के लिए, क्योंकि लास्ट स्टेप के बाद उसे रुकना है, उसको अपना ओमेगा कम करना होता है। सो ओमेगा कम करने के लिए, टू रिड्यूस ओमेगा, उसे अपना मोमेंट ऑफ एनर्सिया बढ़ाना होगा, और मोमेंट ऑफ इनर्सिया बढ़ाने के लिए आपको मासेस को मूव करना होगा, दूर ले जाना होगा एक्सिस से। ओके, सो इसलिए वो अपना लेग्स एंड आर्म्स स्ट्रेच कर लेते हैं ताकि उनका मोमेंट ऑफ इनर्सिया बढ़ जाए, ओमेगा घट जाए, सो दैट इट विल बी इजी फॉर देम टू स्टॉप। सो वी कैन राइट ड्यूरिंग आइस बैलेट व्हाइल इन आउटर राउंड द डांसर आउट stretch their arms and legs to reduce their angular speed. When the dancer wish to decrease their angular speed, they need to increase their moment of inertia. So they outstretch their arms and legs to do so. ठीक है, सो अपना arms and leg को outstretch करते हैं ताकि moment of inertia बढ़ जाए, ताकि उनका omega कम हो जाए तो आसानी से रुक सके. Okay. Next question number 4. स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन जो कि आपको याद करके रखना होता है कि प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम स्टेट दैट इफ नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट्स ऑन द सिस्टम द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इट सेज टू बॉडीज हैव देयर मोमेंट ऑफ इनर्सिया आई एंड टू आई रेस्पेक्टिवली About their axis of rotation. If their kinetic energy of rotation are equal, then what is the ratio of their angular velocity? So kinetic energy दोनों का equal कहा गया है, दोनों का kinetic energy का formula लिख देंगे, half I omega 1 square is equal to half, इसका moment of inertia 2I दिया है, omega 2 square. So cancel 1 by 2 cancel, I cancel, so omega 1 square is equal to 2 omega 2 square. So omega 1 is equal to root 2 omega 2. So omega 1 upon omega 2 की वैल्यू आपकी आ जाएगी root 2. Okay? So
So this will be the answer. Moving to next question, question number 6. Question number 6 says a hollow sphere has radius 6.4 meter. So radius diya hua hai 6.4 meter. What is the minimum velocity required by a motorcyclist at the bottom to complete the circle? तो आपको पता ही है कि अगर कोई वर्टिकल सर्कल में घूम रहा है, हॉलो स्फीयर में अपना वर्टिकल सर्कल में रोटेट करता है, तो एट द बॉटम पॉइंट इट्स मिनिमम स्पीड शुड बी रूट अंडर 5 GR, ये इसकी रिक्वायरमेंट होती है और ये आपको याद रखना होता है कि इस पॉइंट पे 5 GR, इस पॉइंट पे रूट अंडर 3 GR और इस पॉइंट पे रूट अंडर GR. सो वैल्यू पुट कर देते हैं, 5 × 10 × 6.4 रूट अंडर, तो ये 5 × 64 हो जाएगा, सो 8√5, ये आपका वेलोसिटी हो गया. इफ यू वांट रूट फाइव की वैल्यू पुट करके आप इसका फाइनल वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं. लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. अ बेंड इन अ लेवल रोड हैज रेडियस 100 मीटर. फाइंड द मैक्सिमम स्पीड विच विच द कार टर्निंग दिस बेंड मे हैव विदाउट स्किडिंग इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दिया है 0.8. तो उन्होंने वेलोसिटी पूछा है. सो वेलोसिटी का फॉर्मूला अगर आपको याद होगा, वेलोसिटी मैक्सिमम का, सो रूट अंडर म्यू जी आर होता है. ठीक है, वैल्यू पुट कर देंगे, सो म्यू की वैल्यू आ जाएगी 0.8 इंटू जी की वैल्यू 10 इंटू आर की वैल्यू 100. सो ये अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो 8 और 10 का 0.8 और 10 बन के हो जाएगा 8, इसका रूट निकालेंगे तो 2√2 इंटू 100 का रूट हो जाएगा 10, सो इट विल बी 20√2 मीटर्स पर सेकेंड. आप रूट टू की वैल्यू पुट करके फाइनल डेसिमल में भी आंसर ला सकते हैं. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस ट्यूटोरियल. इस सॉल्यूशन का पीडीएफ वर्जन अगर आपको चाहिए तो आप नीचे दिए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं, और बाकी सभी टॉपिक्स के सभी बाकी सभी चैप्टर्स के बाकी सभी सेक्शन के ट्यूटोरियल्स के लिए आपको लिस्ट इसी वीडियो के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी. प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. सो आप डाउनलोड करना चाहते हैं या बाकी सारे ट्यूटोरियल्स देखना चाहते हैं तो आप इसमें डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक चेक कर सकते हैं. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर ट्यूटोरियल. दैट्स ऑल फॉर दिस ट्यूटोरियल. प्लीज कीप वॉचिंग आवर वीडियो टू लर्न मोर अबाउट फिजिक्स. थैंक यू.